अरे कृष्णा माता जी कोई छोटा तो नहीं है। प्रभु जी अनीता खंडेलवाल माता जी को भी कोच बना दीजिए। रश्मि जोशी माता जी हरे कृष्णा। ओके ओके आप भी हैंड रेज कर दीजिए माता जी। सोनिया माता जी नहीं आए ना अभी? नहीं वो नहीं आए। ओके और जिन्होंने जो को होस्ट बने हैं अभी वो खुद से अपना माइक अनम्यूट का ध्यान रखिए। सिर्फ प्रभु जी के साथ पढ़ने के बाद अपना खुद से म्यूट कर लीजिए। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरं चैव नरोत्तमं।
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण आप 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु ताव एहि अधुना प्राप्तो पार्षद अप्रभरो हरे पार्षद प्रवरो हरे दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। मेरे साथ पढ़िए तावेव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे जितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। शब्दार्थ है तौ वे दोनों द्वारपाल एव निश्चय ही संबोधन किया अधुना अब प्राप्तौ प्राप्त करके पार्षद प्रवरौ महत्वपूर्ण संगी हरे भगवान के दिते दिति के जठर गर्भ निर्विष्टम प्रवेश करते हुए काश्यपम कश्यप मुनि का तेज वीर उल्वणम अत्यंत प्रबल। ब्रह्मा ने आगे कहा ये देवताओं को कह रहे हैं क्योंकि देवता जब रोशनी कम हो गई सूर्य का प्रकाश चांद का प्रकाश कम हो गया तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए क्या हो गया बहुत चिंतित थे सब। तो ब्रह्मा जी ने सारी कथा सुनाई उनको कि क्या हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ब्रह्मा ने कहा भगवान ने उन दो प्रमुख द्वारपालों ने भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर से वे आवृत हो चुके हैं। मेरे साथ पढ़िए ब्रह्मा ने आगे कहा ब्रह्मा ने आगे कहा भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर से वे वे आवृत हो चुके हैं। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है और माता के पाए सीक्रेट डिम्ब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दोनों पुत्रों का गर्भाधान किया। अतः उनका जो वीर्य स्खलित हुआ वह एक साथ अति शक्तिशाली एवं क्रोध के गुण से मिश्रित था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भाधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यदि पिता का मन संयत नहीं होता तो सकलित हुआ वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु जैसा आसुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह अति महान विज्ञान है। हरे कृष्ण। तो ये जो बताया गया ये दो जो द्वारपाल थे वो द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में
दिति के गर्भ में आ गए। तयोर असुयोर अद्य तेजसायम योर ही स्वः आक्षिप्तम तेज एतर ही भगवान तद विदे विदित सते। तयोर असुयोर अद्य तेजसायम योर यम योर ही वह आक्षिप्तम तेज एतर ही भगवान तद विदित सते। मेरे साथ पढ़िए। तयोर असुरयोर अद्य असुरयोर अद्य तयोर असुरयोर अद्य तयोर असुयोर अद्य तयोर असुरयोर अद्य तेजसायम योर हिवः तेजसायम योर हिवः आक्षिप्तम तेज एतर्हि आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद विदित सति। भगवान तद विदित सति शब्दार्थ है तयो उन असुरयो दोनों असुरों के अद्य आज तेजसा तेज से यमयो जुड़ों का ही निश्चय ही वह तुम सारे देवताओं का आक्षिप्तम क्षुब्ध तेज शक्ति एतर ही इस प्रकार निश्चय ही भगवान भगवान तत् वह विदित सति करना चाहता है। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबको विचलित किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में को इसका कोई उपचार नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। तो बीच में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं होता। ये मेरे साथ पढ़ गए। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है, यह जिसने तुम सबों को विचलित किया है, जिसने तुम सबको विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। कृष्णा अनीता खंडेलवाल माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यक्षिपु तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतः ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे न ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में श्री भगवान के आदेश से आए थे और अकेले वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की उपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि श्री भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है। इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। श्री भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सके। इस तरह युद्ध करने की इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति जिसके कारण वे सभी विचलित थे परमेश्वर की इच्छा थी। वे दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे। देवताओं से भी बढ़कर जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके, कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को भी यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करें।
क्योंकि यह श्री भगवान द्वारा आदेशित थी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में श्री भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। हरे कृष्ण पूरी होकर रहती है। ये इतने महान शक्तिशाली थे कि ये जब आएंगे अभी दिखाएंगे अपना बल, वो हिरण्यकश्यप इतना बलशाली था तो इंद्र को तो अपने हाथ के मुट्ठी में रह के मसल देगा, इतना बलशाली था। तो उसके तो थर थर कांपते थे सर, देवता लोग डर गए बहुत। तो ब्रह्मा जी ने उनको आगाह कर दिया कि मेरे बस में कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान खुद चाह रहे हैं। विश्वस्य यः स्थितिलयो स्थितिलयो धव हेतुराद्यो स्थितिलय उद्भव। विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरेर अपि दुरत्ययोगमायः क्षेमं विदास्यति सनो भगवान् त्रिअधीशः तत्र अस्मदीय बिम्रशेन क्रियानिहार्थः। विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव हेतुरआद्यो योगेश्वरेर अपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवान् त्रिअधीशः तत्र अस्मदीय बिम्रशेन क्रियानिहार्थः। मेरे साथ पढ़िए। विश्वस्य यः विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव स्थितिलय उद्भव हेतुराद्यो हेतुराद्यो विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव हेतुराद्यो विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरेरपि योगेश्वरेरपि दुरत्यय योगमायः योगेश्वरेरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवान् त्रिअधीशः तत्र अस्मदीय भीमसेन क्रियानिहार्थः। शब्दार्थ है विश्वस्य ब्रह्मांड का यह जो स्थिति पालन पोषण लय विनाश उद्भव सृष्टि हेतु कारण आद्य सबसे प्राचीन पुरुष योग ईश्वर है योगेश्वर है योग के स्वामियों का अपि भी दुरत्यय आसानी से समझा नहीं जा सकता। योग माया है उनकी योग माया शक्ति भगवान के अंतरंग शक्ति जिसे कहते हैं क्षेमं कल्याण कर विधास्यति करेगा सह वह नह हमारा भगवान भगवान त्रिअधीशः तीन गुणों के नियंता तत्र वहां अस्मदी हमारे द्वारा विमृशहीन विचार विमर्श क्रियान क्या यह इस विषय में अर्थ लाभ। हे प्रिय पुत्रो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान प्रकृति के तीन गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि ये काम इनको भी दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश को ये तीन काम दिए हैं लेकिन
जो बेसिकली भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इनको दिया है, इनको वैसे ही करना है जैसे वो चाहते हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। लाचार दिखा रहे ब्रह्मा जी अपने को। हे प्रिय पुत्रो, हे प्रिय पुत्रो, भगवान प्रकृति के तीन गुणों के नियंता हैं। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। और वे ब्रह्मांड की सृष्टि और ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योग माया योग माया योगेश्वरों तक के से योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा जब भगवान की कोई जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वो विपरीत क्यों ना हो। उदाहरणार्थ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है, या कभी कभी वो कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेकानेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई ना कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता, वो विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है वो आश्वस्त रहता है कि वो भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार को की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो ये थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि ये महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय का वे भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। ये बड़ा अच्छा इसमें लिखा है, हमारे बहुत प्रश्न के उत्तर इसमें आ गए। क्यों ऐसा होता है? आप देखते हैं कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत कष्टों से गुजरता है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किए होते हैं। ऐसे मैंने 2-3 लोगों को देखा है अपने जीवन में, बिल्कुल सच्चे इंसान, सच्चे मार्ग पर और भक्ति पर भी थे वो। जैसे भी भक्ति उनके उनको आती थी वो करते थे, और उनको इतना कष्ट देखना पड़ा अपने
इस भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले, जो सब लोग कहते थे इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों को कुछों को उत्तर देने का भी आइडिया होता है। कहते नहीं, इनको अब दूसरे जन्म में कोई कष्ट नहीं होगा, यहाँ से अगर आप कुछ भी अपने साथ ले जाते हैं तो उसका रिएक्शन तो आपको भुगतना पड़ता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो अगर किसी को बहुत कष्ट इस जीवन में मिला, वो पहले के अपने कर्मों के हिसाब से है, लेकिन हम सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि इसके भगवान सारे कष्ट जो है यहीं उनको दे दे रहे हैं, अब नहीं होगा ऐसा करके। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं भक्ति, लोग कहते हैं अब ये भगवत धाम जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवत धाम बिना भक्ति के कोई नहीं जा सकता। अगर किसी ने जो भक्ति मार्ग पर ही नहीं है, वो भगवत धाम कैसे जा सकता है। लेकिन जो भी तकलीफें आती हैं, जीसस क्राइस्ट की बात करी प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने पांडवों की बात करी, प्रभुपाद ने हरिदास ठाकुर की बात करी, इतने महान भक्त थे, इतनी पिटाई हुई उनको 22 बाजारों, वो मर गया करके समझा इसलिए छोड़ गए, क्योंकि ये चीजें एक प्रारब्ध समझ के हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान की माया है ये समझ के। बहुत कष्ट में जब इनके साथ हो सकता है, पांडव भगवान उनके साथ है, तो पांडवों को इतना कष्ट क्यों हुआ। और एक चीज उसमें मुझे पांडवों के साथ में बहुत अच्छा पढ़ने में लगा, कुंती प्रेयर्स ऑफ कुंती, अलग बुक भी है कुंती प्रेयर्स ऑफ कुंती की, पूरी बुक है एक, क्योंकि भागवतम में तो संक्षेप में है तो कुछ चीजें इसमें नहीं है, इसके जो आपके या उपनिषद आएंगे या कहीं पुराणों में उनमें ज्यादा विस्तृत रूप से दिया रहता है। तो कुंती ने कहा कि जब हम तकलीफ में थे आप हमारे साथ थे हमेशा, और तकलीफ में मैं हमेशा आपको याद करती थी, 24 घंटे मेरे दिमाग में आप हैं हमारे साथ ये रहता था। तो इसलिए जब ये इनको पांडवों को राज्य मिल गया, तो कुंती ने कहा कि मुझे आप कष्ट में ही रखो, क्योंकि मैं जब तकलीफ में होती हूँ मैं आपको हमेशा याद, क्योंकि कुंती बुआ थी भगवान की भौतिक जगत के रिलेशन में, लेकिन कुंती एक महान नारी थी, उसको पता था ये भगवान है, तो उनको कहती थी कि आपके आपके आपको याद करना मेरे जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही मैं करना चाहती हूँ, और मुझे आप सुख मत दीजिए, क्योंकि सुख में मैं शायद आपको भूल सकती हूँ। तो ऐसे पांडवों के उसमें प्रिया सौकुंदी अवश्य पढ़िए, क्योंकि सबसे पर्पज क्या है भक्ति का, कि भगवान याद रहे। ये चीज जो इतने यातनाओं के बावजूद इतने भक्तों ने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं, तो ये इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, ये जो हमारे विधि का विधान कहते हैं लोग, तो इस चीज को देखते हुए कि ये भगवान की माया है। वो क्यों ऐसा करते हैं पता नहीं, वो बहुत सारे लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं कि उसका कारण क्या है, फिर अपने दिमाग से भौतिक दिमाग से उत्तर देते हैं। जरूरत नहीं है भौतिक दिमाग से सोचने की क्या क्या उत्तर इसका मिलेगा, बस ये है कि भगवान चाहते हैं ऐसा। बस हम तकलीफ में हैं, भगवान चाहते हैं कि ये हमको ये तकलीफ मिल रही है, क्योंकि हमारे कर्मों के फल हैं पिछले, जिसके वजह से मिलता है, ये समझ के भक्ति नहीं छोड़नी जो इनके साथ हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से बताया है। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसे पराजय से विचलित नहीं होता। ऐसे पराजय हो या आपके बहुत तकलीफ में हैं आप, अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हैं तो आपको सहन करने की शक्ति नहीं होती। आप भगवान से जुड़े हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है स्वीकार है, इससे ज्यादा भी हो सकता था, ऐसे करके
हरिदास ठाकुर का पर्टिकुलरली इतने महान भक्त थे और हरिदास ठाकुर, लेकिन मिला क्या उतना उनको उस उसमें से जाना था। और भगवान के गोद में जिस आदमी ने अपना प्राण त्यागा है कितना महान है वो हरिदास ठाकुर। ये अपने को, क्योंकि वो मुसलमान परिवार से थे, अपने को वो उस उन दिनों हिंदू ही खाली जगन्नाथ टेम्पल जा सकते थे, लेकिन वो तो भक्त बन गए, वो तो वैष्णव बन गए, तो हिंदू क्या है, हिंदू से तो, लेकिन वो नहीं गए कभी, वो जगन्नाथ मंदिर में कभी गए ही नहीं। बाहर से ही जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र घूमता है, चक्र है जो है, वही चक्र को देख करके दर्शन करते, लेकिन कितने भाग्यशाली जगन्नाथ खुद उनके पास जाके मिलते थे, चैतन्य महाप्रभु जाके मिलते थे, चैतन्य महाप्रभु के गोद में उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, या चैतन्य महाप्रभु ने उठाया है उस समय उनको, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट, तीसरे स्कंद का पहला पार्ट पूरा होता है। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में ले जाता हूं। ये नया अध्याय 17वां अध्याय आया, तो हमको 5 श्लोक पढ़ने होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो अन्वयात्। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। सत्यं परम धीमहि। श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु। त्रिवदं त्राप त्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। सद्यो हृदि अवरुद्यते अत्र। कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। सुख मुखाद अमृतव संयुक्तम। सुख मुखाद अमृतव संयुक्तम। पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः। एते चांस कला पुंसः। कृष्णा तु भगवान स्वयं। कृष्णा तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलं लोकम्। इंद्रारि व्याकुलं लोकम्। मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे।
29वां श्लोक जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या हरे कृष्णा। 17वां अध्याय हृणाक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच मैं आपको बोलूंगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैत्रेय उवाच निशम्य आत्म भुवा गीतम कारणम संकयोजिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकशः। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच निशम्य आत्म भुवा गीतम कारणम संकयोजिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिविधाय दिवौकशः। शब्दार्थ है मैत्रेय। मैत्रेय मुनि ने उवाच कहा निशम्य सुनकर आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा गीतम व्याख्या कारणम कारण संख्या भय से उज्जिता मुक्त ततः तब सर्वे सभी निवर्तन्त लौट गए त्रिदिवाय स्वर्गलोक को दिवौकशः देवतागण जो स्वर्गलोक के वासी हैं। हेई मैत्रेय ने कहा विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापिस चले गए। मेरे साथ पढ़े। मैत्रेय ने कहा श्री मैत्रेय ने श्री मैत्रेय ने कहा हाँ श्री मैत्रेय ने कहा श्री मैत्रेय ने कहा विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया जब अंधकार का कारण कह सुनाया है तो स्वर्गलोक के निवासी देवता देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोगों को वापस चले गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोगों को वापस चले गए। ये जब ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तो भगवान खुद चाहते हैं हो गया क्योंकि भगवान तो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए खुश हो गए वो क्योंकि उनको लगा कोई और आपदा ना आने वाली हो। तो जब पता लगा ये किस कारण हो रहा है और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान खुद चाहते हैं ऐसा बस चुप वापस जाओ जो है स्वीकार ऐसे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण वर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। स्वर्ग लोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकार ग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं इसीलिए वे ब्रह्मा के निकट परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त होता है। इस भौतिक अस्तित्व के चार मुख्य कार्यकलाप होते हैं आहार निद्रा भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है प्रत्येक ग्रह में यहाँ तक कि उच्चतर ग्रह मंडल में जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित हैं और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते। देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता परम ज्ञानी के पास जाते हैं जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन परम ज्ञानी का अनादर करते हैं। यदि लोग परम ज्ञानी के पास पहुंच सके तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से विचलित हुआ था किंतु वह परम ज्ञानी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हो
किंतु यदि हम ऐसे परम ज्ञानी के पास पहुंच सके जो सामान्य जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने हेतु ब्रह्मा के निकट गए और उनसे सुनने के पश्चात वे संतुष्ट होकर अपने अपने लोग शांति पूर्वक वापस चले गए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये बता दिया क्योंकि उनको हल मिल गया। भगवान अगर ऐसा चाह रहे हैं तो उनको पता है वो जो चाहते हैं वो गलत होता नहीं, वो चाहते हैं उसको मानना है। अगर हमको कुछ कष्ट भी झेलना है भगवान चाह रहे हैं तो अवश्य अवश्य। दिते हेतु भर्तुर आदेशात् अपत्य परिसंकिनी पुणे वसुसते साध्वी पुत्रो प्रसुसुवे यमौ। दिते हेतु या दितेस्तु भर्तुर आदेशात् अपत्य परिसंकिनी पुणे वसुसते साध्वी पुत्रो प्रसुसुवे यमौ। मेरे साथ पढ़िए। दितेस्तु भर्तुर आदेशात् अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुभे यमौ। शब्दार्थ है दिति तू लेकिन भर्तु अपने पति की आदेशात आज्ञा से अपत्य अपने बच्चों से परिशंकिनी संकालु पूर्ण पूरे वर्ष सते 100 वर्ष बाद साध्वी पतिव्रता स्त्री ने पुत्र दो पुत्र प्रसूत हुए जन्म दिया यमो जुड़वा। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के ले अत्यधिक शंकालु थी। उसको शक था, डर था, जैसे कश्यप ने बताया उनको कि तेरे ऐसे पुत्र होने वाले हैं तीनों लोक में लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। तो उसने 100 वर्ष तक रोका, उसके बाद जन्म दिया बच्चों को। और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात छुड़वा पुत्र को जन्म दिया। मेरे साथ पढ़िए। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से अपने गर्भ में संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी। और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। तीसरा श्लोक है उत्पाता बवहत बहवः या बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्य अंतरिक्षे च लोकस्योर्भयावहः। मेरे साथ पढ़िए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्य अंतरिक्षे च लोकस्योर्भयावहः। शब्दार्थ है उत्पाता प्राकृतिक उपद्रव वह अनेक तत्र वहां
निपेतुः घटित हुए जाय मानयो उनके जन्म के समय देवी स्वर्गलोक में भूमि पृथ्वी पर अंतरिक्ष से बाह्य आकाश में च तथा लोकस्य संसार का पूर्व अत्यधिक भय आवहा भय उत्पन्न करने वाला भयानक दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। मेरे साथ पढ़िए, दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे चौथा सहा चला भुवश्चेलु दिशः सर्वा प्रज्वलुः स उल्काश्च असनयः पेतुः केतवश्च आर्तिहेतवः सह अचला भुवश्चेलु दिशः सर्वा प्रज्वलुः स उल्काश्च असनयः स उल्काश्च असनयः पेतुः केतवः केतवश्च है ना केतवः च आर्तिहेतवः। मेरे साथ पढ़िए, सह अचला भुवः चेलु दिशः सर्वा प्रज्वलुः स उल्का च असनयः पेतुः केतवः च आर्तिहेतवः शब्दार्थ है स के साथ साथ अचला पर्वत हुआ पृथ्वी के चेलुः हिलुठी दिशा दिशाएं सर्वा समस्त प्रज्वलु अग्नि के समान धधक उठी सात उल्का पिंड च तथा असनयः वज्र पेतुः गिर पड़े केतवः उच्छल तारे च तथा आर्ति हेतवः समस्त अश्वों का कारण। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं उच्छल तारों तथा वज्रों के साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। पृथ्वी पर मेरे साथ पढ़िए, पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो उल्काओं उच्छल तारों तथा वज्रों के साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। तात्पर्य, हरे कृष्णा पूनम चौहान माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब किसी लोक में प्रकृति उत्पात होने लगे तो यह समझना चाहिए कि किसी असुर ने जन्म लिया है। वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, फलतः प्राकृतिक उत्पातों में भी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि भागवत के कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतने आसुरी लोग संख्या कितनी बढ़ गई आसुरी लोगों की, तो ऐसे आसुरी लोग जब पैदा होते हैं
तो होगा, कभी कभी सूखा पड़ेगा, कभी कभी बारिश ज्यादा आएगी, कभी बारिश नहीं आएगी, कभी बाढ़ आएगी। ये चीजें प्रभुपाद कह रहे हैं, आसुरी लोगों की संख्या बढ़ गई, प्राकृतिक उत्पादों में भी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि भागवत के कथन से हमें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं हम। तो अभी अभी असुर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं ना अभी, तो उसके लिए हमको ये कलयुग में सब कुछ झेलना है। भवौ वायुः सुदुः स्पर्शः पुत्कारान् ईरयन् मुहुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्या वात् नगपतीन् वात्या अनीकः रजो ध्वजः। भवौ वायुः सदुः स्पर्शः पूतकारान् ईरयन् मुहुः उन्मूलयन् नगपतीन् नगपतीन् वात्या उन्मूलयन् नगपतीन् वात्या अनीको रजो ध्वजः। मेरे साथ पढ़िए। भवौ वायुः सुदुः स्पर्शः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्या अनेको रजो ध्वजः। शब्दार्थ है वो बहने लगी वायु हवाएं सुदुष्पर्श, सुने में बुरी लगने वाली है। कोई वायु होती है ना अच्छी लगती है, कोई वायु छूने से आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है ये वायु खतरनाक है, तेज आ रही है, आपको नहीं अच्छी लगती। भूत कारण साई साई का शब्द ईरियन निकालती हुई मुहु पुनः पुनः उन्मूलयन उखाड़ते हुए नगपतीन विशाल वृक्षों को वात्या अंधर अनेकः सेनाएं रजः धूल ध्वजः झंडे पताकाएं। बारंबार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ते हुए अत्यंत दुस्सहस स्पर्शी वायु बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं अंधड़ और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी, मतलब उनकी सेना लग रही थी अंधड़। मेरे साथ पढ़े। बारंबार 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 साय साय करती साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्साहस्पर्शी अत्यंत दुस्साहस्पर्शी हवाएं बहने लगी। हवाएं बहने लगी, हाँ, ये हवाएं जब कभी आप चल रहे हैं, ऐसी हवा आपको कभी हवा आपको स्पर्श देती है ना, अच्छी नहीं लगती है, आप सोचते हैं रुक जाए, क्योंकि भयावनी होती। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं हवाओं की सेनाएं अंधड़ सेनाएं उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं सेनाएं और धूल के मेघ और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी उनकी ध्वजाएं लग रही थी हवाओं की। तात्पर्य हरे कृष्णा रीटा कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जब अंधड़ चले अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो और तूफानी हवाओं से वृक्ष उखड़ जाएं, तो यह समझना चाहिए कि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां ये सभी उत्पात हो रहे हैं। यह सारे संसार में सत्य है, वहां पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश सदैव बादलों से घिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है।
इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन आसुरी लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पाप में कार्य करने के आदि हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। ये आपको पता है, बहुत जगह ऐसा होने लगा है। कभी भी देखे, बारिश का एक समय होता है जब वर्षा ऋतु होती है, और उसके बाद हमने क्या देखा कि अक्टूबर में बाढ़ आ रही है बहुत जगह पर, इतने त्राही त्राही, और अभी अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में इतना इतना हिमपात हो गया है। तो लोग कहते हैं ये कभी हुआ ही नहीं था ऐसे। तो ये प्रभुपाद कारण बता रहे हैं कि ये जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ क्या रही है, 99% आसुरी लोग हैं। ये जब 99 से 99.1% 99.2% होगा, तो ये चीजें ऐसे प्राकृतिक उत्पाद और बढ़ते जाएंगे। जहां ये सभी उत्पाद हो रहे हैं, आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं, प्रभुपाद को गए तो 50 साल से ज्यादा हो गया, तब भी था ऐसा, अभी तो उससे भी बड़ा है, आगे को और बड़ा होगा, होते 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 कलयुग के अंत तक तो गजब ही होने वाला है। और हो सकता है कि इतना गजब हो जाए कि भगवान थोड़ा पहले ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कलयुग का अभी है तो बहुत लंबा टाइम, अभी खाली 5,000 साल गए हैं, 5,157-58 साल गए हैं, 4,32,000 में। तो लगता है कि जल्दी आएगा, लेकिन कह नहीं सकते, अभी तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 500 साल चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभुपाद ने कहा है 10,000 साल तक अच्छा रहेगा ये समय, क्योंकि भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके आने के कुछ समय तक अच्छा रहता है, तब आप भक्ति वगैरह कर सकते हैं। 10,000 साल के बाद भक्ति का क्या होगा पता नहीं है। ये असुर लोग बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत कम भक्त होंगे, लेकिन भक्तों का भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जरा सा भी, जैसे कलयुग में हरि नाम जपने से हमारा कल्याण हो सकता है, तो उनका अगर वो अगर थोड़ा भी एक बार भी जपें, उनको फल मिलेगा उसका। ये जब खराब समय होता, जब जैसे मैंने बोला कि अगर किसी क्लास में सारे लड़के मूर्ख हैं, कोई भी पास नहीं हो रहा, टीचर फिर एक नया सरल सवाल देता है, उसमें 2-3 पास हो जाए, उनको निकाल सकता है, ऐसा। तो ऐसे ही हमारा कलयुग में, कलयुग बहुत खराब है, लेकिन भागवतम कहती है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि हे राजा, भले ही कलयुग अच्छा समय नहीं है, ये कलह का युग है, ये चीज सब गड़बड़ है, लेकिन एक चीज इस युग में बहुत अच्छी है कि हरि नाम जपने से लोग वैकुंठ जा सकते हैं। ये तो ये चीज हमको, इसलिए हरि नाम को छोड़ना नहीं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रश्मि माता जी, हरे कृष्ण।